हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो सेकेंड T20 मैच होने वाला है उत्तराखंड में, इस मैच के बारे में। तो पहला मैच जो है अफगानिस्तान जो है 45 रन से जो है जीत चुकी है, वहीं पे बांग्लादेश को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा है क्योंकि बांग्लादेश भी एक बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग टीम है। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं इस मैच में क्या क्या चेंजेस हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 45 रन से जो है अफगानिस्तान जीत चुकी है, वहीं पे जो बांग्लादेश के बॉलर है वो उतने अच्छे जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। उन पर आबू जादेब और अब्दुल हसन की जो है चांसेस जो है खेलने के बहुत ही डाउट में है। वहीं पे जो है आबू हैदर रोनी और अरिफुल हक को चांस दिया जा सकता है। बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के लिए, विकेट कीपर पर जो है मोहम्मद शहजाद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे और अफगानिस्तान जो है सेम टीम के साथ ही खेल सकती है। वहीं पर असगर स्टैंड सैनवल्ला, नजमुल्ला, उस्मान घानी, मोहम्मद नबी और सैफ जो है आपको ऑलराउंडर पे दिख जाएंगे। वहीं पे बॉलिंग की बात करें तो मेन बॉलर्स रहेंगे राशिद खान, मुजीबुल रहमान, वहीं पे करीम जिन्नत और सफूर जादरान भी अच्छी खासी जो है बॉलिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ पर मुस्तफिजुर रहीम आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, तमीम इकबाल, मोहम्मदुल्ला, सबीर रहमान, लिटन दास और यहाँ पे सौम्य सरकार जो है खेलने के चांसेस इस मैच पे आराम जो है 60% से भी ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर पे यहाँ पे शकीब अल हसन एंड मुदस्सर कज़िन लगभग कंफर्म है, वहीं पे रूबल हसन और नजमुल इस्लाम जो है कंफर्म है बॉलर पे। वहीं पे इन चारों में से किसी दो को जो है बॉलिंग में मौका मिलेगा बांग्लादेश की तरफ से। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में जिससे आप बहुत ही अच्छा जो है अर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं विकेट कीपर पे आपके पास दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, लेकिन फॉर्म की वजह से मोहम्मद सजाद ने पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया है तो आप चाहें तो मोहम्मद सजाद के साथ जा सकते हैं। वहीं पर बैट्समैन पर आपके पास कौन सा अवेलेबल ऑप्शन है जैसे कि तमीम इकबाल, अजमुल्ला जादरान, मोहम्मदुल्ला, सबीर स्टैंडजाई, उस्मान घानी, शेरवानी, सौम्य सरकार, शफीक, यहाँ पे करम जिन्नत और लीतन दास। तो मैंने यहाँ पे जो है मोहम्मदुल्ला, सबीर रहमान, उस्मान घानी, शेरवानी और यहाँ पे नीचे मैंने लीटन दास को लिया है। तो बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर पे मैंने यहाँ पे शकीब अल हसन, मोहम्मद नबी को लिया है, आप चाहें तो मुदस्सर हुसैन को ले सकते हैं। बॉलर की बात करें तो मैंने यहाँ पे राशिद खान, मुजीबुल रहमान और रूबल हसन को लिया है, आप चाहें तो सफूर जादरान को ले सकते हैं। वहीं पे अब्दुल हसन भी आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो अबू हैदर और अबू जादेब को जो है ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रिस्की हो सकते हैं ये दोनों। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में, मैंने वाइस कैप्टन यहाँ पर शकीब अल हसन, वहीं पे कैप्टन यहाँ पे जो है राशिद खान को लिया है, आप चाहें तो एक्सचेंज कर सकते हैं। विकेट कीपर पर आप मुस्तफिजुर रहीम को ले सकते हैं और बैटिंग पे जो है आप जो है तमीम इकबाल को जो है ऐड कर सकते हैं। तो कुछ चेंजेस करके आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।